You're watching Breaking Barriers with your host Alia. Earth now has a mini moon. Earth ka ab ek mini moon aa gaya hai. Only for 2 months. November ke month tak aap isko dekh sakte hain. Ab aapka ek chaand nahi hai. In reality, moon hai. Ye lekin moon bhi nahi hai. Ye ek asteroid hai. चलें आपको बता देते हैं कि ये जो अर्थ आपकी ज़मीन और हमारी ज़मीन इस प्लेनेट पर अब एक चाँद नहीं बल्कि 2 चाँद नज़र आ रहे हैं. तो जो दूसरा चाँद है वो चाँद नहीं है, वो एस्टेरॉयड है. और इसको आप अक्टूबर एंड नवंबर के मंथ में देख सकते हैं, लेकिन आप अपनी आँखों से ये नहीं देख पाएंगे. इसके लिए आपको किसी टेलीस्कोप की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक स्कूल बस जितना इसका साइज़ है और ये इतना दूर है कि आपको ऐसे नज़र नहीं आएगा. लेकिन इसके लिए टेलीस्कोप्स, बहुत सी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद हैं जहाँ पर हैं. और इसके अलावा अगर आपके पास पर्सनल भी है, क्योंकि जो टेलीस्कोप चाहिए वो भी कोई बच्चों के खिलौने जैसा नहीं चाहिए, ज़रा अच्छा वाला टेलीस्कोप चाहिए ये देखने के लिए. तो मैं तो ये समझती हूँ कि ये इस सेंचुरी का एक ऐसा इवेंट है कि ये सबको देखना चाहिए. आपको इसकी डिटेल्स बताते हैं. इस वक्त आपके प्लेनेट पर आपको 2 मून्स नज़र आ सकते हैं. ये वाली वीडियोस आप कब से देख रहे होंगे, लेकिन वो सब की सब फेक वीडियोस थी जो बनाई जाती थी. देखिए एक सूरज नहीं, 2 सूरज नज़र आ रहे हैं. लेकिन जो अब बात की जा रही है, अर्थ नाउ हैज़ ए मिनी मून ए स्मॉल एस्टेरॉयड जॉइंस आवर ऑर्बिट. ये कैसे हुआ और ये कब से पता है, और इस मून का क्या कोई नाम भी रख दिया गया? एग्जैक्टली, The object known as 2024 PT5 has been chasing after us for years. Now it has become close enough to be pulled in by our gravity. It will stay with us until November. ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत ऐसी नहीं है कि ये वो एस्टीरॉयड नहीं है कि जो ज़मीन से टकरा जाएगा. देखिए, इसके लिए नासा ने और जितनी भी दुनिया की बड़ी स्पेस एजेंसीज है उन्होंने काफ़ी इसके लिए स्टडी की. लेकिन आप ये बात याद रखिए कि 2029 की एक प्रेडिक्शन जो कि इसरो की तरफ से की गई है कि 2029 में एक एस्टीरॉयड ज़मीन के बहुत करीब टकरा सकता है, जिसको रोकना होगा. और इसी तरीके से नासा ने 2038 की एक प्रेडिक्शन कर रखी है, और वो भी एस्टीरॉयड ही है जो कहा जा रहा है कि उसको तोड़ने के लिए या उसको ज़मीन से टकराने से बचाने के लिए कोई अपने मिसाइल या भेजे जाएंगे, उसको दूर करने के लिए कोई ऐसा तरीका ढूंढा जा रहा है. क्योंकि अगर ये एस्टेरॉयड ज़मीन से टकरा जाते हैं तो ज़मीन तबाह हो जाएगी. ये भी याद रखिए कि इससे पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, जब ज़मीन की तबाही हुई थी जिसमें जो डायनासोर्स हैं उनकी पूरी ब्रीड ख़त्म हो गई थी, सारी वो स्पीशी ख़त्म हो गई थी, वो भी इसी वजह से हुआ था. तो जब हम कहते हैं ना कयामत, या हम कहते हैं कि ज़मीन पर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो सबसे बड़ा ख़तरा जिसकी हम बात नहीं करते वो ये है, क्योंकि हमने वो देखा नहीं होता कभी, तो वो ये है, बल्कि हमारे फोर फादर्स ने भी कभी नहीं देखा होता. जो इसरो के हेड हैं उन्होंने ये कहा था कि हम इस बारे में इसलिए नहीं सोचते क्योंकि हमें पता है कि हमारे फोर फादर्स ने भी कभी ऐसा कोई इवेंट नहीं देखा. लेकिन जो डायनासोर्स को अगर आप अपना फोर फादर्स समझें, उनको भी, तो उन्होंने ऐसा इवेंट एक देख रखा है, और अब उनका नामो निशान नहीं है इस ज़मीन पर. तो ये सबसे बड़ा ख़तरा तसव्वुर किया जाता है. लेकिन वापस लौटते हैं इस मिनी मून की तरफ. मैंने इसके लिए एक वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हैं. उसमें जो है नासा ने जो प्रेडिक्ट किया था और जो खबरें आ रही हैं कि 2038 में एस्टेरॉयड टकरा सकता है, उस पर काफ़ी डिटेल्स मौजूद हैं कि फिर क्या हो सकता है. मैं इसमें उसके साथ जो है आप देखेंगे जो लास्ट में 2 वीडियोज़ हैं उसमें अटैच भी कर दूंगी. दी न्यूली डिस्कवर्ड एग्जाम्पल 2024 PT5, ये जो मून है, वॉज ओनली डिस्कवर्ड लास्ट मंथ. तो ये बहुत पहले से इसको डिस्कवर नहीं किया गया था, पिछले महीने पता चला इसका. तो आप ये सोचें, मैं ये सोच रही हूँ कि ये एस्टेरॉयड जिसका सिर्फ 1 मंथ पहले पता चला, अगर ये ज़मीन से टकराने वाला होता तो फिर आप क्या करते? 1 महीने में आप कैसे उससे बच सकते? फिर तो कुछ नहीं हो सकता था. मैं सोच रही थी कि शायद सालों पहले से इसका पता चल गया था. When it was spotted by scientists as part of the asteroid terrestrial impact last alert system, the 2024 in its name refers to its year of discovery. That alert system is a project to spot near Earth objects, जो कि इंसानी लाइफ को ख़तरा पहुंचा सकते हैं, जो ज़मीन के लिए ख़तरा हो सकते हैं. तो ये जो प्रोजेक्ट एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को
तलाश करने का या देखने का। इसके लिए आप अगर ऐसी मूवीज़ देखने के शदाई हैं तो आपने देख रखा होगा कई एक ऐसी मूवीज़ हैं जिसमें ये पता चलता है कि दूर दराज कहीं कोई बंदा अपने शौक़ से बैठा होता है, वो अपने टेलीस्कोप लगा कर, तो उसे अचानक कोई आवाज़ सुनाई देती है कोई ऐसी, या कुछ ऐसा पता चलता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इतना करीब आ रहा है, तो वो बताता है एजेंसीज को एंड दिस इज़ रियलिटी। ये सिर्फ फिल्मों की हद तक नहीं है बल्कि कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो ह्यूमंस, जो लोग खुद से अपने शौक़ में करते हैं, उनकी भी इन्फॉर्मेशन एजेंसीज तक पहुंचती है और फिर उनको पता चलता है कि भाई इस बंदे ने इस रीजन में या इस जगह पर ये चीज़ डिटेक्ट की है, फिर उसके पीछे वो लग जाते हैं। ऐसा होता है इन रियलिटी, लेकिन उनकी अपनी एजेंसीज की अपने भी जाहिर है कि बहुत हुए। तो देखें इतने ही है कि सिर्फ एक महीना हुआ तलाश किए वैसे, फाइन। ये अगर टकरा जाए तो क्या होगा, अगर ये बड़ा होता है या कुछ ऐसा होता। अच्छा जी, द फाइंड वॉज रिपोर्टेड, जब पता चल गया तो रिपोर्ट किया गया इन ए पेपर पब्लिश लास्ट मंथ इन जर्नल रिसर्च नोट्स ऑफ ए ए एस अंडर द टाइटल ए 2 month मिनीमून। ये द इंडिपेंडेंट है जिसके अंदर पूरी रिसर्च शामिल है। इट इज़ टू स्मॉल एंड डिम टू बी स्पॉटेड विद द नेकेड आई, लाइक मैनी ऑफ द एस्टीरॉइड्स दैट कम नियर अर्थ, इट इज़ थॉट टू हैव कम फ्रॉम द अर्जुना बेल्ट वेयर द ऑब्जेक्ट्स आर स्मॉल। जी बताएं कि ये जो बेल्ट्स हैं स्पेस में, ये अर्जुना रखी गई है। अर्जुना नाम आप जानते हैं, हिंदुइज्म से ये नाम है ये अर्जुना, के उस पे अर्जुना बेल्ट, अमेजिंग। और इसी तरीके से आपको पता है कि जो सर्न है, दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल लेबॉर्ट्री जो कि दुनिया ने मिलकर बनाई है, तमाम कंट्री एक ही चीज़ पे सब साथ हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, और वो सर्न है। और आपको पता है कि सर ने ही बिग बैंग की जो थी और गॉड पार्टिकल जो ढूंढा गया था, वो सर ने ही किया है, वहीं पर ये काम हुआ है। और आपको पता है कि सर में लॉर्ड शिवा का एक बहुत बड़ा स्टैचू है दरमियान में, और काफ़ी वहाँ पे रिचुअल्स वगैरह भी होते हैं। एनीवेज, रिलेटिवली कॉमन फॉर द अर्थ टू फ्लाई बाय एंड इवन पुल इन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस काइंड, इट इज़ मोर रेयर फॉर देम टू बिकम मिनी मून्स एंड जॉइन आवर ऑर्बिट इन द वे 2024 PTF PT5 हैज़। तो इसलिए मैं कह रही हूँ ये बड़ा एक स्पेशल इवेंट है, इसको ज़रूर देखिए। ओवर द नेक्स्ट 2 months अर्थ विल हैव ए सेकेंड मून बिगनिंग ऑन September 29 जस्ट आफ्टर 4 PM ET एंड एस्टेरॉयड विल एंटर अर्थ्स ऑर्बिट एंड ट्रेवल इन शेप्ड पाथ अराउंड द प्लैनेट अंटिल इट डिपार्ट्स ऑन November 25। तो जो एग्जैक्टली इसका टाइम है वो September 29 4 बजे शाम से लेकर ET टाइम है November 25 तक आप इसको देख सकते हैं। सेकेंड मून इज़ सो मिनी अप्रॉक्सीमेटली द साइज ऑफ ए स्कूल बस एंड सो डिस्टेंट, जो इसका फासला है 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अवे है ये अर्थ से, हमारी धरती से, इस ज़मीन से 1.5 किलोमीटर्स दूर है, तो फिर भी आप इसको टेलीस्कोप से देख सकते हैं और एक बस के बराबर, स्कूल बस के बराबर कहा जा रहा है। दैट इवन ए नॉर्मल टेलीस्कोप वॉन्ट बी एबल टू कैप्चर इट, और हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम टेलीस्कोप से इसको व्यू कर सकें, देख सकें। तो मैं तो ज़रूर देखूंगी क्योंकि मेरे पास टेलीस्कोप अपना भी मौजूद है और मैं तो बहुत शौक रखती हूँ टेलीस्कोप। मैं अक्सर ट्रैवल जब करती हूँ तो अपने साथ रखती हूँ, अपने घर में भी टेलीस्कोप के ज़रिए मैं काफ़ी मुशाहिदा करती रहती हूँ। आप समझ लेंगे मैं एक छोटी मोटी साइंटिस्ट हूँ, और वो साइंटिस्ट नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉट हूँ, बल्कि एस्ट्रोनॉट कहा जाए या एस्ट्रोस्टार कहा जाए या इसको क्या कहा जाए, आप उसको जो भी समझ लें, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है स्टार गेजिंग का और ऐसी बहुत सब चीज़ों का। मैं तो कहती हूँ कि कोई मेरे पास भी वो मशीनरी हो कि मैं बैठ जाऊँ एक जगह पे कहीं पहाड़ पे जाके और मैं डिटेक्ट करने की कोशिश करूँ कि एलियंस की आवाज़ कब मेरे पास पहुँचेगी, या मैं देखने की कोशिश करूँ कि कहीं पर मैं कोई और स्टार ढूँढ लूँ या मैं कोई ऐसी चीज़ ढूँढ लूँ जो मैं बताऊँ कि देखो मैंने तलाश कर लिया। तो वैसे तो अगर आप एनलाइटेंड हैं तो एनलाइटेंड लोग जो हैं उनको ये सब वो देख सकते हैं और देख लेते हैं और उनको पता चल जाता है, उनको टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं होती। इजाज़त दें, फिर मिलते हैं, गुड बाय।